Very nice, very nice. That's a big slap. Yes. ये बोला थैंक यू सो मच हां जी हमारी सबसे पहली सबसे पुरानी दुश्मन माता और ये दूसरा मुंसा और मेरा जन्म जन्म का दुश्मन साथी हमारी लड़ो हमारी बहन हमारी लड़ो और इसके बाद इसके बाद आएगी हमारी कड़क भी दादी आई ना यस माता यम्मी माता How's the cake? सेंटर लो राइट साइड चप्पल अवॉइड कीजिएगा जीतू जीतू तू ये पहली बार नाम सुन रहे थे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है सबसे पहले तो थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए कि 200 एपिसोड हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए और मतलब हम तो फर्स्ट एपिसोड से ही हैं यहाँ पे तो जर्नी बहुत अच्छी रही है बहुत सारे एक्सपीरियंसेस इतने अच्छे रहे क्योंकि इतने आर्टिस्टों के साथ काम करने का मौका मिला मेरे लिए सारे नए थे मैं किसी को नहीं जानता था लेकिन अभी ऐसा हो गया कि एक परिवार बन चुका है एक फैमिली बन चुकी है ऑन स्क्रीन भले ही हम लोग दुश्मन हैं बट ऑफ स्क्रीन साथ में मस्ती करते हैं खाना खाते हैं दोस्ती इतनी अच्छी हो गई है और ऑडियंस को थैंक यू बोलूँगा कि इतना प्यार दिया 200 एपिसोड तक हम लोग पहुँच गए हैं और आगे भी ऐसे ही प्यार देते रहिए ताकि 200 का 2000 तक हम जाएँ अभिनेता के तौर पर जो किरदार निभा रहे हैं आप वो किरदार से कितनी संतुष्टि मिली और कितना अहम मानते हैं आगे आपके जो फ्यूचर में जो भी रोल्स आपको ऑफर किए जाएंगे उसको लेकर सर देखो एज एन एक्टर देखा जाए हम अगर सेटिस्फाई हो गए तो हमारी जर्नी वहीं खत्म हो जाती है हमें तो रोज सीखने को मिलता है तो हम कोशिश करते हैं कि रोज कुछ ना कुछ नया करते रहें हम जब भी आते हैं हमें नया सीख मिलता है तो उसमें कुछ ना कुछ नया ही होता है तो इसमें जो मेरा कैरेक्टर है वो विलन भी है कॉमेडी भी है इमोशनल भी है सीरियस भी है तो मेरे लिए तो ऐसा एक्सपीरियंस था कि एक ही किरदार में मेरे को बहुत सारे इमोशंस करने को मिल रहे हैं बहुत सारी वेरिएशन मिल रही है इस शो में जितने भी आर्टिस्ट हैं निशान से लेकर नायरा से कैसा इक्वेशन था कुछ बताइए कोई यादगार ऐसा लम्हा अभी तक का जो मेमोरेबल बन गया हो कोई एक सिंगल डे कोई ऐसा कुछ हर लम्हा हर दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है अभी भी जैसे हम लोग इतना सीरियस सीन कर रहे थे कि रसाल विधवा हो चुकी है और जो नया लड़का आया अभिषेक वो उसको गोद में उठा रहा है वो उठा नहीं पा रहा तो हम लोग हंस रहे हैं और जो सीरियस सीन में भी हम लोगों की हंसी मजाक चलता रहता है चाहे वो फाइट सीक्वेंस हो तो भी हम लोगों का जब एक्शन होता है तब हम लोग सीरियस होते हैं उसके अलावा हम लोग इतनी मस्ती करते हैं सेट पे सारा दिन हंसी खेलने में मतलब वो ऐसे दिन निकल जाता है पता ही नहीं चलता आखिरी में ये पूछना चाहूंगा कि क्या मानते हैं शो का जो कामयाबी है 200 एपिसोड पूरा किया क्या क्या वजह रही है क्या प्रमुख वजह रही है सर ये टीम वर्क इस सबका टीम वर्क है सबकी मेहनत है चाहे वो एक्टर्स हो चाहे राइटर्स हो चाहे डायरेक्शन टीम हो कैमरा टीम हो ये सबकी एक मेहनत है पूरी टीम वर्क है जिसकी वजह से हम लोग 200 एपिसोड तक पहुंच गए और आगे भी सर होली भी आने वाली है तो क्या प्रिपरेशन है कितने खुश हैं क्योंकि माहौल इस बार काफी अच्छा है पिछले 2 साल सर होली की पहले तो एडवांस में बधाइयां बट हमारा शायद हो सकता है कि होली का हम लोग एपिसोड शूट ना करें बिकॉज अभी के रिसेंट एपिसोड में डेथ हुई है मतलब मेरे भतीजे की रसाल का जो हस्बैंड बना तो उसके हिसाब से देखा जाए तो हम लोग शायद होली सेलिब्रेट नहीं करें
सीन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो। वैसे तो सबको होली की बहुत सारी बधाइयां, तो बहुत टाइम के बाद मेरे ख्याल से सब लोग बाहर निकलेंगे, क्योंकि इतना लंबा लॉकडाउन का टाइम चला है, सब लोग घरों में थे, परेशान थे, बट अभी आई थिंक चीज़ें जैसे धीरे धीरे खुल रही हैं, थिएटर्स खुल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से होली भी लोग सेलिब्रेट करेंगे। हमारा शो इतना अच्छा चल रहा है and people are liking it and we are just going on and on, it's not sure. I'm really, really happy and thank you all of you for giving our your blessings and good wishes. Talking about Raksha Bandhan, kya compliments mil rahe hai kirdar ko lekar? Ye ki main din bhar aur badmash hoti ja rahi hu. Wo to chalo khair mera character hi aisa hai show mein ki mujhe badmashi karni hai, but overall I think hamare jitne bhi characters hai na wo aur bhi zyada refine hote ja rahe hain din bhar din. सारे सबके परफॉर्मेंसेस बहुत ज़्यादा जेन्युइन और ऑथेंटिक होते जा रहे हैं, विच इज मेकिंग द थिंग वेरी वेरी रियल, एंड आई थिंक दैट्स द रीजन ये ऑडियंस भी बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट कर पा रही है, दे आर एंजॉयिंग द ड्रामा, एवरी सेकंड डे देयर इज अ ड्रामा, एवरी सेकंड डे आई एम डूइंग समथिंग, सो एंड एवरीबॉडी इज पोर्ट्रेइंग देयर कैरेक्टर्स सो वेल. बीच में एक शिवराज का भी ट्रैक आया था जहाँ पर बलबल भी था, उमेश भी था, शिवराज भी था, एंड दैट वॉज अ क्रेजी ट्रैक, यू नो प्लेइंग ट्रिपल रोल, एंड बहुत मजा आ रहा था हम लोगों को ये चीज देखने में, एंड आई एम श्योर आप सबको भी बहुत पसंद आया होगा, एंड या इट्स फन, सो हैप्पी. कास्ट के साथ किस तरह की बॉन्डिंग रही है, अगर उस मेमोरीज के बारे में बताएं जब पहली बार आप मिले थे और आज जब 200 एपिसोड हो चुके हैं. बहुत सारे कैरेक्टर्स आए भी इस शो में, गए भी, लेकिन जो स्टार्टिंग से थे वो तो ऑब्वियसली है ही, एंड जो हमारे जो बच्चे हैं उन्होंने और बेहतरीन करना शुरू कर दिया है, दे आर जस्ट गेटिंग मोर एंड मोर बेटर. आई जस्ट फील दैट वी हैव ग्रोन टुगेदर, यू नो, एंड ऐसा हम लोग को दिमाग खटाने की जरूरत नहीं पड़ती कि अब क्या नया करें या फिर क्या डिफरेंट करें, हम लोग वो कैरेक्टर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर चुके हैं, वी जस्ट रीड एंड वी नो हाउ टू एडैप्ट, इट इज दैट स्मूथ राइट नाउ. तो आई वुड से कि हम सब ने साथ में अच्छा खासा ग्रो किया है, एंड हमारे रिलेशंस बहुत ऑफसेट, आई मीन ऑनसेट बहुत रियलिस्टिक लगने लगे हैं कैरेक्टर के हिसाब से. जैसे मेकअप उतारते हैं, कैमरा ऑफ होता है, तब तो हम लोग ऑब्वियसली अपने अपने इसमें, मैं नायरा, ये वर्षा, रचान, सब लोग सब सेम हो जाते हैं, बट द मोमेंट वी आर इन अ मेकअप ना, वी एक्चुअली स्टार्ट बिहेविंग लाइक द पर्सनालिटी ऑफ व्हाट वी हैव इन द शो. लास्टली कोई मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को जिसने इतना सारा प्यार दिया रक्षाबंधन को? यार मैं क्या ही बताऊं, मतलब अगर आप लोगों को इतना पसंद आ रहा है, एंड दिस इज व्हाई वी आर पार्ट ऑफ दिस शो, इट्स नॉट अबाउट एक्टर्स, सिर्फ हम एक्टर्स ही नहीं, पूरा क्रू होता है इसमें, सब एक्सिलरी क्रू होते हैं, ये सब सारे लोग की जॉब्स इसमें रिलेटेड होती हैं. सो थैंक यू सो मच कि आप लोगों की वजह से हमें ये हमारे पास ये एम्प्लॉयमेंट है, एंड हम लोग यहाँ पे ही आपको एंटर करने के लिए, सो आई होप आप लोगों को मजा आ रहा है, एंड हम लोग और बेटर करते जाएंगे. नायरा जी, होली का पावन त्यौहार भी आ रहा है, दो साल के बाद माहौल अच्छा है इस बार मुकाबले, तो क्या करने वाली होली में, शूट करेंगी या मतलब पर्सनली कुछ? सी अगर शूटिंग होगा शूट तो करूंगी, क्योंकि वर्क कम्स फर्स्ट फॉर मी, बट मैंने होली खेलना बहुत टाइम पहले छोड़ दिया था, क्योंकि वो लोग अंडे फेंक के मारते हैं, अंडों से नहीं खेलना है, तो मैं होली तो खेलती नहीं हूँ, लेकिन हाँ घर में छोटा सा हम लोग बस तिलक तिलक कर देते हैं ऐसे ही हल्का फुल्का, एंड वी जस्ट एंजॉय सीइंग पीपल बीइंग ऑल कलरफुल. क्या कहेंगे, एक एक्टर जिस शो में काम करता है वो शो 200 एपिसोड सेलिब्रेट करता है, हम सबकी मेहनत रंग लाती है, तो जो खुशी होती है हम ही जानते हैं जो खुशी होती है, और उसके लिए थैंक यू सो मच, आभार आप सब लोगों का, हमारी सरकार का, हमारे ऑडियंस का, जो हमारा शो देखते हैं, मुझे इतने सारे लोग मिलते हैं जो, और जो मैसेजेस करते हैं कि हम आपका शो रोज देखते हैं, हम नंबर पे देखते हैं, हम रिपीट देखते हैं, कितने सारे लोग मुझे पसंद होते हैं,
बहुत खुशी हो रही है एंड सी नतीजे आपके सामने। और कास्ट के साथ किस तरह की बॉन्डिंग हो गई सिंस इट्स अ 200 एपिसोड? कौन सी कास्ट, वी आर अ फैमिली। हम लोग ऑफ कोर्स हम दिन में 12 घंटे एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं, सो ऑफ कोर्स वी आर लाइक अ फैमिली और हम सब आपस में बहुत ज्यादा सपोर्टिव एक दूसरे के लिए। एक दूसरे के सीन्स में भी उनके कभी कभी होता है ना, कभी एक एक्टर नहीं समझ पाता कि उसको एक पर्टिकुलर सीन में क्या रिएक्ट करना चाहिए, कैसे उसे करना चाहिए, क्या उसके इमोशन होने चाहिए, तो हम आपस में एक दूसरे को उसके लिए भी हेल्प करते हैं। आई टेक हेल्प, आई गिव हेल्प, सो वही टीम वर्क का नतीजा है। होली इज़ अराउंड द कॉर्नर, क्या प्लान है इस साल होली के? इस साल होली के इस मैं मुझे होली बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मेरे लिए तो होली ही दिवाली होती है बेसिकली। आई लव प्लेइंग विद कलर्स, तो हर साल मैं ही मुंबई में ही सेलिब्रेट करती हूँ, देखा जाती हूँ वहाँ पर बहुत अच्छे से इंदौर में होली मनाई जाती है। बट दिस टाइम आई हैव अनदर शूट, तो मैं उस शूट के लिए बाहर जा रही हूँ। ओके, और कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो ऑडियंस देख रही है? यही मैसेज देना चाहूँगी कि हमारा शो जो है वो इतने टाइम से आप लोग देख रहे हैं, बहुत लॉयल ऑडियंस भी हमारे, तो आप लोग टिके रहिए, हम लोग मेहनत कर रहे हैं आपको एंटरटेन करने के लिए, जैसा आप लोग चाहते हैं, जो आप लोग कमेंट्स भी करते हैं चैनल के जो पेजेस पर, सोशल मीडिया पेजेस पर आप कॉमेंट करते हैं कि ये दिखना है वो दिखना है, सो वैसा ही हमारे राइटर्स लिख रहे हैं, हमारी टीम वर्क कर रही है। प्लीज़ स्टे लॉयल टू अस, कीप वॉचिंग दिस शो एंड थैंक यू सो मच ऑल द लव एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच। खुशी का ठिकाना नहीं है और प्राउड तो फील कर ही रहे हैं, पर एक जिम्मेदारी बढ़ गई है, 500 का रिकॉर्ड जल्दी तोड़ना है, ट्रैवल के लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है, क्रेडिट मिली है हमें, सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। 200 में खुश होकर अटकना नहीं है, ये खुशी हमें जारी रखी। और मैम इतने सारे एपिसोड हो गए, कास्ट के साथ किस तरह की बॉन्डिंग रही है पूरे इतने एपिसोड के बाद? फैमिली से ज़्यादा हम लोग साथ में रहते हैं, दिन में 12 घंटे हम लोग साथ में होते हैं, फैमिली के साथ तो हम लोग सिर्फ सोने जाते हैं, तो इट्स लाइक अ फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली टू अस। ओके मैम, होली इज अराउंड द कॉर्नर, कैसे सेलिब्रेट करने वाली है इस साल की होली, क्योंकि 2 साल जो है पूरी तरह से पेंडेमिक में गया, इस साल जो है लग रहा है कि होली मनाई जाएगी हमारा देश में, होली मनाई जाएगी, हम लोग बहुत खुशी 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 का त्यौहार नहीं समय और कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस से भी देख रही हूँ, हमें ऐसे ही प्रोत्साहन लेते हैं और दुआ करें कि हम लोग 1000 एपिसोड पहुँचे, उसके भी आगे जाए, पर कुछ ऐसा करें जो आपको भी मजा आए, आपके आशीर्वाद को ऐसा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। कुछ आपके बारे में जानना चाहूंगा, आपका जो प्रोफेशनल जर्नी रहा है और इस शो में जो आपका किरदार है, कितने उत्साहित है इस शो का हिस्सा बन गया? नहीं, मैं काफी उत्साहित हूँ, क्योंकि जब मुझे कॉल आया था इसके लिए मैं तभी काफी उत्साहित था, क्योंकि जो मैंने पिछला शो किया था मुखिया उसमें मैंने इसी काइंड का टाइप ऑफ रूम किया था, तो मैं काफ़ी एक्साइटेड था, मैंने कहा चलो लेट्स स्टार्ट दिस न्यू जर्नी विद डबल एंड प्योर ड्रीम्स। जितने भी कलाकार हैं निशांत से लेकर नायरा और कैसे क्वेश्चन रहे हैं? एक्चुअली मैं काफ़ी लकी हूँ कि बहुत ही अच्छे प्रोत्साहन मिले हैं, अभी उन्होंने बहुत हेल्प की है मेरी और बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव रहे हैं, क्योंकि एक नए कास्ट को अपने साथ शूट कराना और उनके साथ बोलना मिलना काफ़ी डिफिकल्ट होता है पुरानी कास्ट के लिए, तो उनके लिए नहीं था, उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की एंड थैंक यू। ये इसका नाम है अर्जुन राठौर और ये जो है अपने बाप का कुछ बदला ले रहा है शिवा से, और अभी आगे जाके आपको पूरी स्टोरी पता चलेगी कि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, और अपनी माँ का बहुत ही लाडला है, माँ जो बोल रही थी उसकी बात मानता है और उसी के कहने पे सब कुछ कर रहा है और उसी के कहने पे सब उसने मारा भी है, बस यही है बाकी आप हंसते जाइए, आप लोग आपको लाने के बाद क्या तैयारी की?
नहीं तैयारी एक्चुअली ज़्यादा कुछ नहीं की, सब हमारे क्रिएटिव्स और हमारे चैनल का कमाल है, कुछ नहीं लुक दिया और काफ़ी एक पावरफुल लुक है और पावरफुल कैरेक्टर है एंड आई एम एंजॉयिंग एवरी बिट ऑफ इट। वैसे भी क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी मिल रही है आज इससे? मैं आपको सच बताऊं, ये शो जब शुरुआत हुई थी मेरी, तो ये शो के ओरिजिनल हीरो आज हमारे साथ हैं, आपको रुपेश प्रताप सिंह, ये था मेरा कैरेक्टर। और ये शो हमारा, मेरे लिए ये शो कुछ आई थिंक 2 महीने के लिए शो था कि उम्मीद की डेथ के बाद जो बच्चे हैं शुभ और असाल, उनका बड़ा होना था और उसके लिए नई कास्ट आनी थी। बट मैंने सोचा ही नहीं था कभी कि 200 एपिसोड पर भी मैं ही शो का हीरो होगा और मैं आप सबसे बात करके बता रहा हूँ मेरे दिल से कितनी खुशी है मुझे। ये रक्षाबंधन इज नॉट जस्ट अनदर टीवी शो टुडे, इट्स अ ब्रांड फॉर द एंटायर चैनल दंगल टीवी, एंड दंगल टीवी टुडे इज द नंबर 3 चैनल इन द एंटायर कंट्री आफ्टर स्टार्स एंड स्टार इन कलर्स दंगल दैट इज रूलिंग द इंडियन टेलीविजन। सो आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर द एंटायर टीम ऑफ रक्षाबंधन, क्योंकि दंगल की प्रोग्रामिंग की शुरुआत रक्षाबंधन। ये शो और ये जो कैरेक्टर है, जब आपको अप्रोच किया गया था इस शो के लिए और इस कैरेक्टर के लिए, क्या आपको इन्फ्लुएंस किया कि आप इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने? मुझे ये था कि जो कैरेक्टर था ना उमेश प्रताप सिंह जी का, वो एक बहुत ही इंटेंस कैरेक्टर था, एक एंग्री यंग मैन बट वाज आल्सो ट्राइंग टू बी अ फादर एंड अ मदर एट द सेम टाइम फॉर 2 लिटिल किड्स। तो बहुत ही इमोशनल, बहुत ही प्यारा रोल था, इसलिए मैंने इस रोल के लिए हामी भरी। एंड देखते ही देखते उमेद का काम खत्म हुआ तो मैं शिवा बना, और अब शिवा 2 एपिसोड से हमारे शो के अंदर है। आई हैव नो वर्ड्स एक्चुअली, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि बोलूँ क्या और कैसे बताऊँ कि मेरे को कितनी खुशी है कि 200 एपिसोड्स कब आए, कब हो गए, पता ही नहीं चला, 1 साल होने वाला है रक्षाबंधन, एंड आई एम जस्ट सो हैप्पी। ये भी कहना चाहूँगा, जो फैमिली कोऑर्डिनेशन हुआ एक तरह से, मतलब आपका एनवायरनमेंट जो था, एक फैमिली एनवायरनमेंट था, उसके मतलब कितना अच्छा लगा कि आपको लग रहा था कि फैमिली की तरह काम कर रहे हैं? आई थिंक फॉर एनी शो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द कल्चर ऑफ द सेट। हमारे शो में जो एक यूनिटी है ना, हमारी पूरी कास्ट में यूनिटी है, हमारी कास्ट एक दूसरे के बारे में सोचती है, कोई ईगो इशूज, कोई घमंड वमंड कुछ नहीं, एवरीबॉडी इज गुड फ्रेंड विद ईच अदर। हम लोग बहुत बातें करते हैं, वी स्पेंड सो मच टाइम विद ईच अदर, हम खाना साथ खाते हैं, तो आई थिंक वो बहुत मैटर करता है कि इतनी पॉजिटिविटी है शो के अंदर कि आज ये शो इतनी आगे इस मुकाम तक पहुंचा है। लास्टली, होली का पावन त्यौहार आने वाला है, तो आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू सेलिब्रेट इट? कहाँ रहेंगे, बिजी रहेंगे शूट में, व्हाट इज द प्लानिंग फॉर दैट? नहीं आज एक नए अंदाज में बताइए सर। होली आने वाली है गाइस, तो मैं ये बोलूंगा कि होली जरूर खेलेगा, लेकिन कोविड अभी भी पूरी तरह से गायब नहीं हुआ है, तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, कोविड को मद्देनजर रखते हुए अपने परिवार, अपने फ्रेंड्स, अपने क्लोजेस्ट पीपल के साथ खेलेगा जिनको आप पूरी तरह जानते हो। डोंट गो आउट फॉर बिग पार्टीज, डोंट गैदर टू मच क्राउड, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो दौर दोबारा आए जब हमें लगे कि यार घर से बाहर निकलना है तो एक खौफ के साथ निकलना है या मास्क पहन के ही निकलना है। तो मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, होली मनाइए, होली के पावन त्यौहार को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए, एंड मे यू हैव अ ब्यूटीफुल कलरफुल ईयर, एंड आपके सारे सपने पूरे हों, और इसी तरह आप रक्षाबंधन को प्यार देते रहे, मुझे यानी कि निशांत मलखानी को प्यार देते रहे, और हम मेहनत करते रहेंगे कि आपके दिल में अपनी जगह फिक्स करके रखें। थैंक यू। अभिषेक शर्मा के अर्जुन, अर्जुन पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो तो वक्त के साथ पता चलेगा आपको, बट अभी तक जो मैंने उनके साथ 2-3 सीनिंग किए, ज़्यादा काम हो नहीं था कि अभी टोटल करिए, आई थिंक इज अ वेरी पॉजिटिव गाय एंड बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, एंड आई थॉट हम लोगों की तो बराबर तो अगर हमारे फाइट थी तो और बढ़ा है, टक्कर की लड़ाई होगी, तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट एक्चुअली, एंड आई होप आने वाले दिनों में एक्चुअली और भी एंट्रीज आने वाली हैं, बहुत सारे नए नोन एक्टर्स हमारे शो में आने वाले हैं, तो यू आर गोइंग टू वॉच अ होल न्यू चैप्टर इन रक्षाबंधन विथ डिफरेंट स्टोरीज कमिंग अप इन शिवाय प्रकाश से। फर्स्ट शो इतना कामयाब रहा, आपका क्या कहना चाहेंगे कि कितनी बड़ी उपलब्धि मानती हैं आप इस शो का हिस्सा बनकर? मैं बहुत उदास हूँ, मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे इतनी अच्छी है, और जो रोल प्ले कर रही है वो रोल कितना एंजॉय कर रही है आपका? मुझे
लास्ट होली आने वाली है तो होली का होली कैसे मनाने वाली है बता दीजिए। होली मैं मेरी फैमिली के साथ ही मनाऊंगी चलिए रक्षाबंधन, 7:30 की ढाल, 7:30 बजे तक दगड़ी। थैंक यू।